हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटीआरएम के डायनेमिक्स के। आज के इस लेक्चर में हमें स्लिपिंग ऑन रफ इंक्लाइंड के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 m/s² गिवन है और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन 45 degrees गिवन है और ये हाइट 10 m गिवन है, ठीक है, और ये एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मास 2 kg और रेडियस 20 cm गिवन है, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड स्फेयर एंड दिस रफ इंक्लाइंड म्यू 0.2 गिवन है। और मैंने क्या किया, इस सॉलिड स्फेयर को यहां से t = 0 पे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ये सॉलिड स्फेयर प्योर रोलिंग करता हुआ नीचे आएगा। डज सॉलिड स्फेयर परफॉर्म प्योर रोलिंग, इफ नॉट, मतलब मान लो अगर प्योर रोलिंग करता हुआ नहीं आएगा तो स्लिपिंग करता हुआ आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब इफ नॉट, अगर प्योर रोलिंग नहीं करेगा, मान लो इवन इज लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन दिस सॉलिड स्फेयर रीचेज बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। तो ये इवन फाइंड आउट करना है लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ये प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। अगर नहीं, अगर प्योर रोलिंग नहीं करेगा तो स्लिपिंग करता हुआ आएगा। स्लिपिंग करेगा तो इसका मतलब आप द इंक्लाइंड प्लेन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो स्लिपिंग करता हुआ आएगा। तो जब यहां पे पहुंचेगा बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा इवन, वो फाइंड आउट करना है। और मान लो ये सॉलिड स्फेयर एट t = T1 इंस्टेंट पे इस इंक्लाइंड के बॉटम पे पहुंचेगा, तो ये T1 भी फाइंड आउट करना है। मतलब टाइम टेकन बाय दिस सॉलिड स्फेयर टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल ऐसा ही रफ इंक्लाइंड गिवन है, इंक्लिनेशन 45 degrees और ये रफ इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये हाइट 10 m गिवन है और ये सॉलिड सिलेंडर मास 2 kg और रेडियस 20 cm, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सिलेंडर एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.2 गिवन है, ठीक है। मैंने क्या किया, t = 0 पे इस सॉलिड सिलेंडर को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। डज सॉलिड सिलेंडर परफॉर्म प्योर रोलिंग, इफ नॉट, अगर प्योर रोलिंग नहीं करेगा, मान लो इफ नॉट, तो जब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा तो मान लो यहां से यहां तक E2 मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा, E2 मैकेनिकल एनर्जी लॉस, और ये E2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मान लो एट t = T2 इंस्टेंट पे ये सॉलिड सिलेंडर इस इंक्लाइंड के बॉटम पे पहुंचेगा,
तो टी टू फाइंड आउट करो, मतलब टाइम टेकन बाय सॉलिड सिलेंडर टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। ठीक है, तो देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, अगेन यही इंक्लाइंड है, बिल्कुल यही रफ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन 45 डिग्री। ठीक है, और ये हाइट 10 मीटर। ठीक है, ये 2 केजी का ब्लॉक है। मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस 2 केजी के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया। ठीक है, और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.2 गिवन है। तो क्या ये एक्सेलरेट होता होता बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा, तो वो कैसे पता चले, सबसे पहले एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो, वो क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू, मतलब टेन इनवर्स 0.2, एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा, 11.3 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज 11.3 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 2 केजी ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड, और 2 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो मान लो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल 3 T3, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल T3 इंस्टेंट पे ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा, तो कैपिटल T3 फाइंड आउट करो, मतलब टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 11.3 डिग्री, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऑफ द इंक्लाइंड, तो ऑब्वियसली यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। तो मान लो इफ E3 इज मैकेनिकल एनर्जी लॉस व्हेन ब्लॉक रीचेज बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, तो ये E3 फाइंड आउट करो, और टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड T3 वो फाइंड आउट करो। ठीक है, ये सब फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, सॉलिड स्फीयर वाले को, फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो देखो सॉलिड स्फीयर के केस में प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आती है, प्योर रोलिंग कंडीशन इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर वो क्या आती है, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 टेन थीटा, थीटा कितना 45। तो इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर यहां पे प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आएगी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 टेन 45, टेन 45 1 हो जाएगा, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7, और 2/7 आएगा 0.285। तो ये जो इंक्लिनेशन है ना इस इंक्लाइंड के 45 डिग्री, अगर इस पे इस सॉलिड स्फीयर को प्योर रोलिंग करनी है तो कंडीशन क्या आई, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.285, लेकिन यहां पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.2, 0.2 तो कम है, 0.285 से तो कम ही है, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं होगी, स्लिपिंग होगी ऑन दिस रफ इंक्लाइंड, प्योर रोलिंग नहीं होगी, नॉट प्योर रोलिंग। ठीक है, मतलब स्लिपिंग होगी। तो अब देखो 11th लेक्चर में पढ़ा था, जब स्लिपिंग होती है जो कि यहां पे होगी भी, स्लिपिंग करता हुआ आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड, तो जो
एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, म्यू आर एम जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आईसीएम, ये आता है म्यू आर एम जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आईसीएम। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर वो क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम कितना 2, रेडियस 0.2 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 0.032 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 11th लेक्चर में पढ़ा था जब स्लीपिंग होती है, मतलब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्लीपिंग करता हुआ आता है नीचे, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अल्फा, वो इतना आया था 11th लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो म्यू की वैल्यू पुट कर दो 0.2, आर की वैल्यू 0.2, एम मास ऑफ सॉलिड स्फीयर 2, जी 10, थीटा 45 डिग्री, आईसीएम 0.032, ये वैल्यूज पुट कर दो, म्यू 0.2, आर रेडियस 0.2, एम 2, जी 10, कोस 45 1/√2 डिवाइडेड बाय आईसीएम 0.032। तो ये अल्फा कितना आ जाएगा, ये आएगा 17.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा निकल गया 17.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना आया 17.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और आईसीएम की वैल्यू इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास वो कितना आया 2/5 एम आर स्क्वायर 0.032 के जी मीटर स्क्वायर। और देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एसीएम वो क्या आएगा, 11th लेक्चर में पढ़ा था जब स्लीपिंग होती है, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आएगा। जी को 10 पुट करो, थीटा को 45, म्यू को 0.2, थीटा को 45, ठीक है। 10 साइन 45 1/√2 माइनस म्यू 0.2 कोस 45 1/√2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउन द इंक्लाइंड ये कितना आएगा 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो कितना टाइम लेगा ये सॉलिड स्फीयर इस इंक्लाइंड के बॉटम तक पहुंचने में, कैपिटल T1 ये फाइंड आउट करना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर अप्लाई कर दो, ये 10 है तो इंक्लाइंड की लंबाई कितनी आ जाएगी 10√2, ठीक है। तो s 10√2 इज इक्वल टू ut 0, रेस्ट रिलीज किया ना हाफ, acm 5.65 और t1 स्क्वायर, तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आएगी 2.23 सेकंड, ठीक है। और जब ये सॉलिड स्फीयर बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 2.23 सेकंड,
तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, u प्लस एटी अप्लाई कर दो, u जीरो, ए सी एम 5.65, टाइम टेकन 2.23, ठीक है, तो ये कितनी आएगी 12.59 मीटर पर सेकंड। मतलब इस सॉलिड स्फेयर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2.23 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो कितनी होगी 12.59 मीटर पर सेकंड, और एट t इज इक्वल टू 2.23 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस वो क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अप्लाई कर दो, ओमेगा नॉट जीरो, अल्फा कितना 17.67 इंटू में टाइम टेकन कैपिटल टी वन 2.23, ये ओमेगा कितना आएगा 39.42 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो स्लिपिंग होगी, बिल्कुल होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आप दिन क्लाइंड इस सॉलिड स्फीयर पे, तो यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी का लॉस E1 वो फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लूंगा रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक E1 मैकेनिकल एनर्जी का लॉस वो किसके बराबर होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो होगी mgh, m2g10h10 माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि इस लेवल पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया रेफरेंस के तौर पे, तो केवल काइनेटिक एनर्जी आएगी और दो काइनेटिक एनर्जी आएगी ट्रांजिशनल एज वेल एज रोटेशनल, ट्रांजिशनल क्या होगी हाफ एम दो वी सी एम स्क्वेयर मतलब 12.59 का स्क्वेयर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, आईसीएम कितना 0.032, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 39.42 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16.62 जूल, मतलब यहां से यहां तक जो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा वो कितना होगा 16.62 जूल, E1 की वैल्यू आ गई इसको सोल्व करने के बाद में 16.62 जूल, ठीक है, E1 निकल गया। अब आओ सेकंड पार्ट पे, इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आएगी, ये हमें पता है क्या होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 3, थीटा कितना 45, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, टेन 45 1 हो गया ना, 1/3 कितना आएगा 0.333, ठीक है। तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन आई, देखो अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री है और अगर इस सॉलिड सिलेंडर को प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आना है तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.333 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल में आओ, यहां पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.2, 0.333 से तो कम ही है, तो इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं होगी,
नॉट प्योर रोलिंग, तो इसका मतलब ये सॉलिड सिलेंडर स्लिप करता हुआ आएगा, ठीक है, तो मतलब स्लिपिंग होगी। तो अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, या अबाउट सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, या अबाउट एक्सिस ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो क्या आएगा, mr square by 2 यूजिंग फॉर्मूला m 2 r square 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आएगा 0.04 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, ये इसकी प्योर रोलिंग नहीं होगी, स्लिप करता हुआ आएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड। तो 11th लेक्चर में पढ़ा था, जब स्लिपिंग हो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आया अप द इंक्लाइंड, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू आर एम जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आई सी एम, म्यू 0.2, आर 0.2, एम 2, जी 10, कोस थीटा कोस 45 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय आई सी एम 0.04, ठीक है। तो यूजिंग कैलकुलेटर अल्फा ये कितना आएगा 14.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसको जब आप यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करोगे तो ये आएगा 14.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इन केस ऑफ स्लिपिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या आएगा, जी 10 इंटू में साइन थीटा साइन 45 1 बाय रूट 2 माइनस म्यू 0.2 कोस थीटा कोस 45 1 बाय रूट 2 यूजिंग कैलकुलेटर, ये 5.65 के बराबर आएगा, 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड वो क्या आएगा 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अल्फा निकल गया, एसीएम निकल गया, ये कितना टाइम लेगा टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड कैपिटल टी टू, वो कैसे निकालूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो। तो देखो, ये इंक्लाइंड की लंबाई ये कितनी आएगी 10√2 मीटर, ठीक है। तो कैपिटल टी टू फाइंड आउट करना, टाइम टेकन टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, 10√2 इज इक्वल टू यू टी जीरो क्योंकि रेस्ट है रिलीज किया, हाफ एक्सेलरेशन 5.65 इंटू में टी टू स्क्वायर। तो यहां से टी टू की वैल्यू ये कितनी आएगी 2.23 सेकंड आएगी, ठीक है। और अब देखो, एट टी इज इक्वल टू 2.23 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर वी सी एम वो क्या जाएगी, u प्लस ए टी अप्लाई कर दो, u जीरो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 5.65 टाइम टेकन 2.23 तो ये कितनी आएगी 12.59 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर एट टी इज इक्वल टू 2.23 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड ओमेगा वो निकालो, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी अप्लाई कर दो, ओमेगा नोट जीरो रेस्ट से रिलीज किया था तो मतलब अल्फा टी आ जाएगी, अल्फा कितना 14.14 टाइम टेकन 2.23 तो ये ओमेगा कितनी आएगी 31.536 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो, प्योर रोलिंग नहीं होगी, इनफैक्ट स्लिपिंग करते हुए आएगा ये, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड,
तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा E2, ये E2 फाइंड आउट करना है। E2 क्या हो जाएगा, E2 जो मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुई है ये फाइंड आउट करना है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और मैं इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। तो E2 मैकेनिकल एनर्जी लॉस यहां से यहां तक वो क्या हो जाएगी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया, तो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी MgH 2 10 H 10 माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 vcm² 12.59 का स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 icm ओमेगा² icm कितना 0.04 और ओमेगा 31.536, तो इनटू में 31.536 का स्क्वायर, ठीक है 31.536 का स्क्वायर, ये ध्यान रहे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो E2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 21.6 जूल, ये आएगी 21.6 जूल, ठीक है E2 निकल गया और T2 निकल गया। अब आओ थर्ड पार्ट में, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.2, इंक्लिनेशन 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज आया 11.3 डिग्री, इंक्लिनेशन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो जब मैं इसको यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये एक्सेलरेट पक्का होगा, ठीक है, मतलब स्लिपिंग होगी बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड। तो क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड T3 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने हैं, कर लेते हैं डाउन द इंक्लाइंड, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड वो कितना होगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला G 10 इंटू में साइन थीटा साइन 45 1/√2 माइनस म्यू 0.2 कोस 45 1/√2। यूजिंग कैलकुलेटर ये 5.65 के ही बराबर आएगा, 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना टाइम लेगा टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर दो। इस इंक्लाइंड की लंबाई ये कितनी आ जाएगी, 10√2 मीटर, तो S 10√2 इज इक्वल टू UT 0, रेस्ट से रिलीज किया है, हाफ एक्सेलरेशन 5.65 इंटू में T3 का स्क्वायर। तो यहां से T3 इतना ही आएगा 2.23 सेकंड, ठीक है। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस पता लगाना है E3 यहां से यहां तक। इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो E3 मैकेनिकल एनर्जी का लॉस यहां से यहां तक वो कितना होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0, रेस्ट से रिलीज किया, तो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी Mg 10, हाइट 10 MgH माइनस फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0, तो केवल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ M2 और VCM या V2। तो अब देखो एट T = 2.23 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड,
इस ब्लॉक की वेलोसिटी v वो क्या होगी, u प्लस at अप्लाई कर दो, u जीरो, एक्सेलरेशन कितना 5.65, और यहां से यहां तक टाइम टेकन 2.23, ठीक है। तो ये v कितना आ जाएगा, 12.59 आएगा, 12.59 मीटर पर सेकंड। और यहां पे v स्क्वायर मतलब 12.59 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो e3 की वैल्यू निकल के आएगी 41.49 जूल, ठीक है। e3 निकल गया, t3 निकल गया, t2 निकल गया, e2 निकल गया, e1 निकल गई, t1 निकल गया, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखो, ये देखो ध्यान से, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये जो कि स्लीपिंग करता हुआ आएगा सॉलिड स्फीयर, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आया, 5.65, और ये सॉलिड सिलेंडर भी स्लीपिंग करता हुआ आएगा, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही, और ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है डाउन द इंक्लाइन, मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, और ये 10 मीटर, 10 √2, 10 √2, 10 √2, 10 10, तो इसका मतलब तीनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, मतलब तीनों सेम टाइम लेंगे टू हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, मतलब कैपिटल T1, कैपिटल T2, कैपिटल T3 तीनों की वैल्यू सेम आई है, देख सकते हो, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, ये सेम आएंगे, देख सकते हो। VCM 12.59, VCM 12.59, V 12.59, तीनों इकट्ठे पहुंचेंगे एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, या तीनों सेम टाइम लेंगे टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।